हरदा में रेत ठेकेदार और सरपंच के बीच झड़प हो गई, जिसमें सरपंच और उसके पिता को चोटें आई हैं। सरपंच संघ ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसपी से कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं मजदूरों ने भी सरपंच पर ठेकेदार से पैसे मांगने का आरोप लगाया है। मामला हरदा जिले के तेवरंदी थाना क्षेत्र का है, जहां छीपानेर सरपंच गुरदयाल निकुम के साथ रेत ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा जमकर मारपीट की गई। बीच बचाव करने आए सरपंच के पिता को भी चोट आई है। वहीं इस घटना पर सरपंच का आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने रेत ठेकेदार के दबाव में काम करते हुए दोनों पक्षों पर मारपीट का केस बना दिया है और कार्रवाई नहीं की है। उप सरपंच वो बोल रहे हैं कि यहाँ कंपनी पे दबाव बनाते हैं कि पैसे दो हमको और मशीन से डंपर भरो। गांव में 250-300 मजदूर है, हम केवट समाज के लोग है, हमारे पास कोई धंधा नहीं है रेती के सिवा। हम खदान में मजदूरी करते हैं, हमारा हक वो छीन रहे हैं कि हमें पैसे दो और आप मशीन से गाड़ी लोड करो। हम अब वो सर उनके पास सस्ता है हाथ में, अब वो बोल रहे हैं कि हमको पैसे दो और आप मशीन से गाड़ी लोड करो, हमारा हक मिलना चाहिए। हम इसीलिए ज्ञापन देने आए कलेक्टर महोदय जी को। हमारे वहाँ पे है 250-300 मजदूर, 250-300 मजदूर के लगभग काम बंद होता है तो काम बंद होते हैं तो फिर हम आंदोलन करेंगे और महोदय जी से निवेदन करेंगे कि हमें हमारा रोजगार दिलवाया जाए। वही इस मामले में रेत ठेकेदार की ओर से मजदूर संघ भी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा और ज्ञापन दिया। कलेक्ट्रेट आया है, एडीएम को ज्ञापन दिया है, क्या है मामला? ये रेत माफिया की और रेत ठेकेदार के द्वारा एक जनप्रतिनिधि जो कि आदिवासी समाज से है, उसके साथ अत्याचार हुआ, मारपीट हुई, वो अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, अस्पताल में पड़ा है, उसके सर में 16 टाके आए हैं, उसके पिताजी के साथ भी मारपीट हुई है, वो बीज बचाव करने गया तो उसके साथ भी मारपीट हुई है और प्राण घातक हमला हुआ है, उसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा उल्टे फरियादी के ऊपर ही आरोप मढ़ दिया गया और काउंटर केस दर्ज किया गया है चौकी प्रभारी करताना के द्वारा, जो कि अनुचित है एवं अन्याय है, तो हम लोग इसका विरोध करने के लिए आज मंडी क्षेत्र में चौकी करताना है, वहाँ छिपानेर की खदान है, तो वहाँ पर दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ था, मारपीट का मुकदमा कायम हुआ है थाना टिमानी क्षेत्र अंतर्गत चौकी करताना में, और इन लोगों के आरोप था कि 307 की धारा बढ़ाई जाए। हमने मेडिकल के आधार पर जो डॉक्टर लिखेंगे उस आधार पर कार्रवाई होगी, लेकिन प्रथम दृष्टया दोनों की MLC हुई है, उसमें मामला मारपीट का ही सामने आया है, दोनों की विवेचना थाना स्तर पर की जा रही है। सर किन किन धाराओं में मामला? 294, 323, 506 भारतीय दंड संहिता। बता दें कि एक और जहां सरपंच ने रेत ठेकेदार पर आरोप लगाए हैं, तो अब रेत ठेकेदार की ओर मजदूर संघ ने भी सरपंच पर आरोप लगाए हैं, तो वहीं अब देखने वाली बात होगी कि जांच के बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरदा से राकेश खरका की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।